सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फैसला सुनाया। फैसले का लब्बा लुबाब ये है कि अब विशेष परिस्थिति में 30 हफ्ते में भी गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है। दरअसल पूरा मामला महाराष्ट्र का है, जहां 14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, जिससे वो प्रेग्नेंट हुई, और इसी को लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि अभी हमारा कानून 24 हफ्ते के ऊपर के भ्रूण को गिराने की इजाजत नहीं देता है। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा, और आज हम आपको बताएंगे MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भपात को लेकर क्या है भ्रांतियां और क्या है सच। गर्भपात किसी भी महिला के लिए अच्छा अनुभव नहीं होता, चाहे वो कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हर देश में इसको लेकर निर्धारित नियम बनाए गए हैं, जिसमें कानूनी तौर पर इसकी इजाजत देने या फिर नहीं देने को लेकर लोगों में अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए, वहीं कुछ लोगों को इससे दिक्कत है। हाल ही में फ्रांस सरकार ने बड़ा ऐलान किया और गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया। ऐसा करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया। इसी बीच हम आज आपको बता रहे हैं कि भारत में गर्भपात को लेकर क्या नियम है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक एक योग्यता प्राप्त डॉक्टर ही गर्भपात करने की इजाजत दे सकता है, यदि उस गर्भावस्था में महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो या भ्रूण के गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित होने की संभावना हो। इसके अलावा गर्भपात के लिए एक समय सीमा तय की गई है, जिसमें अगर कोई महिला 20 हफ्ते से कम समय से प्रेग्नेंट है तो वो किसी एक डॉक्टर की सलाह से गर्भपात करवा सकती है। यानी कि अगर डॉक्टर को लगता है कि गर्भपात सुरक्षित है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है। अगर 20 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच की प्रेग्नेंसी है तो दो डॉक्टरों की सलाह लेनी जरूरी है। हालांकि 20 हफ्ते से 24 हफ्ते तक सिर्फ वही महिलाएं अबॉर्शन करवा सकती हैं जो बलात्कार पीड़िता हो, नाबालिग हो या फिर मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार हो। वहीं कुछ केसेस में मामले कोर्ट तक जाते हैं, अगर कारण सही पाया गया तो कोर्ट की तरफ से गर्भपात करने की इजाजत दे दी जाती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर मामले में कोर्ट इसकी इजाजत दे। अगर महिला सिंगल हो तो नए कानून के मुताबिक उसे गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है। कानून के मुताबिक अगर महिला को गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने के बाद भी गर्भ ठहर जाता है तो ऐसे मामलों में भी भारत का कानून गर्भपात की इजाजत देता है। अगर किसी लड़की या महिला के साथ हुए रेप के बाद गर्भ ठहर जाता है तो ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की सलाह से या अदालत के आदेश के बाद 24 सप्ताह के बाद गर्भपात कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने